तरीका है खुश रहने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी, द ओनली वे इज कंटेंटमेंट। कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं जो हमारे पास है उससे तो हम खुश हैं। सेटिस्फैक्शन को ही तो खुशी बोलते हैं, कहीं प्लेजर को तो खुशी नहीं समझ रहे हैं। प्लेजर्स जितने भी हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, बड़ा मजा आता है उसमें, तो क्या ये खुशी है? या उसके बाद में दुख होता है कि मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार ओवर ईटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर पागल हो गया देखते ही। तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या? कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में, ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, एक्चुअल में। यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली, इंस्टेंटली। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है?